मुरादाबाद शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में समस्त शिव सैनिकों द्वारा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में इंपीरियल चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के चलते किसानों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, पानी की बौछार आदि यातनाएं देने के बाद सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वार्ता विफल होने पर किसानों ने आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे डाली और सरकार से कहा कि वे हमें गोली मार दे लेकिन हम अपनी मांग मनवाकर ही रहेंगे। जिसको लेकर आज मुरादाबाद के शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में तमाम शिव सैनिकों ने जुलूस निकाला और इंपीरियल तिराहे पर आकर प्रदर्शन कर किसानों को समर्थन देने की बात कही। सर क्या नाम है आपका? मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। शिवसेना के रूप से समस्त पदाधिकारियों ने जिस तरह से काला कानून बनाया और जो किसानों ने आज जिस तरह से दिल्ली में चीख करके ये बात कही है कि या तो हमें गोली मारो या कानून वापस लो, ये पूरे देश के लिए काला दिवस है क्योंकि हमेशा नारा दिया गया है जय जवान जय किसान का। आज किसानों की जो दुर्दशा हो रही है कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मिलकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की सुन नहीं रहे और किसान मर रहे हैं उन आंदोलनों में तो भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और किसान गोली खाने को तैयार है, किसानों को लाठी डंडा आंसू गैस हो रहा, किसानों को रोका जा रहा है। शिवसेना उन्हीं के समर्थन में निकली है और किसानों के समर्थन में जितने भी लोग काम करेंगे शिवसेना सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। जय भवानी जय।